सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। फिर से आ गए हैं कि हम न्यू वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखिए, प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके का ट्रेनिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने फ़ोटोज़ का, तो कैसे बना सकते हो वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज जो ट्यूटोरियल होने वाली है वो यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन में होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली जो शेक इफेक्ट है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रही है। तो ये वाली जो शेक इफेक्ट है, गणपति पप्पा स्टेटस हम जो बनाने वाले हैं वो कैपकट एप्लीकेशन में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर कोई भी एक VPN जो ऐप होगी उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसे कर लेना है ऑन, ठीक है। उसके बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, और ये वाली जो टेम्पलेट का लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगी www.nsajita.in, और यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर मेरे टेलीग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको सर्च कर देना nsajita करके, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का लोगो हो जाएगा, उसे कर लेना है ज्वाइन। तो यहाँ पर ये वाली जो टेम्पलेट है मैंने दिया हुआ है। टेम्पलेट ओपन करने से पहले आप ध्यान रखिए कि कोई भी एक VPN जो ऐप है वो ऑन होनी चाहिए आपके फ़ोन में, तो ही ये टेम्पलेट जो है वो ओपन होगा। तो इस तरीके से इस टेम्पलेट पे क्लिक कर देना, उसके बाद क्रोम पे क्लिक कर देना। क्रोम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का थोड़ा सा बहुत लोडिंग लेगा, तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिख कर आएगा यूज़ टेम्पलेट इन कैपकट, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट करेगा कैपकट के एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको एल्बम का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर ऑल वीडियो एंड फोटो शो हो जाएगी। तो आपको जिस भी किसी फ़ोटो को ऐड करना है उसे सिंपली कर लेना है सेलेक्ट। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ को कर लेती हूँ सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको सभी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ये वाली जो वीडियो है वो लोड हो रही है, हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। लोड होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर 3D एनिमेशन जैसी इफेक्ट आप लोगों को शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस फोटो को चेंज करना होगा, कोई भी आपको फोटो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो फोटो को। अगर रिप्लेस करना है तो इस पर क्लिक करोगे तो क्रॉपिंग का ऑप्शन दिया है, आपको फोटोज़ को क्रॉप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट कर लेना। ये वाली जो वीडियो है इसमें जो ऑडियो वो हमको नहीं चाहिए, हमको अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग आपको ऐड करना है। तो आपको करना क्या होगा, पहले ये वाली जो वीडियो है इसे कर लेना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करते वक्त यहाँ पर आपको रिजोल्यूशंस पूछेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2K 4K आपका जो फ़ोन है वो जो सपोर्ट करता होगा, तो यहाँ पर 2K 4K का भी ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। नहीं है तो यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इस देशों में भी बहुत अच्छी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाती है। आपको सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, प्लस पे चले जाना, और यहाँ पर देखिए वीडियोस में चले जाना है। जैसे ही आप वीडियो पे जाओगे तो यहाँ पर वो वाली जो वीडियो होगी उसे कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा, इस वाली वीडियो पर क्लिक कर देना, और इसकी जो वॉल्यूम होगी उसे कर देना है यहाँ पर बंद। बंद करने के बाद यहाँ पर देखिए एरो से हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐड ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके फ़ोन में जो भी कोई सॉन्ग होगी उसे ऐड करना है तो आप सिंपली साउंड में चले जाइए, और यहाँ पर देखिए आपको फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा फ्रॉम डिवाइस, तो उस पर जाकर आप कोई भी जो सॉन्ग होगी उसे ऐड कर सकते हो। अगर नहीं है आप किसी वीडियो में से ऑडियो रिमूव करना है तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिया गया है, आपको जिस भी किसी वीडियो में से ऑडियो रिमूव करना है उसे कर लेना है सेलेक्ट, और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा लिख कर इम्पोर्ट साउंड ओली, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ ये जो सॉन्ग है वो ही आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसे भी कर लेना है एक्सपोर्ट, और हमारी जो वीडियो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। और आप इससे आप अपने इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।